नमस्ते एवरीवन, एक और नई व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। माय नेम इज़ आशीष, वेलकम बैक टू माय चैनल डेस्टिनेशन हॉपर। अपने पिछले व्लॉग में देखा था कि मैंने मस्त रोपवे का केबल राइड लिया था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मज़ा आ गया। और अभी मैं जिस जगह पे हूँ आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि कितना खूबसूरत है। आपने अगर यारिया मूवी देखी है तो उस मूवी में जो कॉलेज दिखाया गया है वो ये है। काफ़ी ब्यूटीफुल है, देखते हैं अंदर जाने देते हैं कि नहीं। ये नॉर्थ पॉइंट कॉलेज है ना, स्कूल है ये। अच्छा, यहाँ पे वो मूवी का शूट हुआ था बहुत पहले, यारिया मूवी का यहीं पे हुआ था। क्या मैं थोड़ा शॉट ले सकता हूँ बस बाहर का, ऊपर से थोड़ा सा वहाँ तक जाके? नहीं, अलाउ नहीं करोगे? ओके, ऐसे शूट करके लेके आ सकते हो मेरे कैमरे से? नहीं, परमिशन मांगने से भी नहीं होगा ना? ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये रहा, एक्चुअली ये स्कूल है। काफ़ी भैया, ये स्कूल बना कब था? तो काफ़ी पुराना है शायद। तो ये रहा स्कूल। तो मुझे दिखा रास्ते में, जब मैं अभी रोपवे की तरफ जाता तभी मुझे ये स्कूल दिखा था, तो मैंने सोचा जब मैं नीचे आऊँगा तो मैं दिखाऊँगा ज़रूर ये। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं जर्मनी वगैरह में हूँ और वहाँ का कोई स्कूल है, एकदम चर्च की तरह दिख रहा है यार, आई स्वेयर। काफ़ी सुंदर है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। ये रहा, थोड़ा आगे से देखता हूँ कि अगर कुछ अच्छा व्यू मिल जाए तो। श्योर कि कैसा दिख रहा है, काफ़ी खूबसूरत है यार। तो मैं अभी अपने स्कूटर के पास आ गया हूँ, तो यहाँ से निकलते हैं। फर्स्ट मैं पेट्रोल डलवा लेता हूँ एंड उसके बाद देखते हैं क्या करना है। आई थिंक पेट्रोल पहले डलवा लेता फिर सोचता हूँ, क्योंकि मेरे पास दो ऑप्शन है अभी जाने के लिए, तो अभी रास्ते में डिसाइड करते हैं। चलिए चलते हैं। तो मैंने अभी जस्ट पेट्रोल डलवा ली है और मेरे राइट हैंड साइड में इस तरफ डार्लिंग रेलवे स्टेशन है, तो मैं जा रहा हूँ घूम की ओर। और वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मॉनेस्ट्री है, काफ़ी पुराना मॉनेस्ट्री है। मुझे मेरे होम स्टे के ओनर ने बताया था कि वो मस्ट विजिट प्लेस है, तो मैं अभी वहाँ पे जा रहा हूँ। तो वो स्टर्लिंग के पास आता है घूम के, तो पता नहीं कैसा है, तो जाके पता चलेगा। और थोड़ा बहुत ओवरकास्ट हो गया है मौसम, ठंड थोड़ी बढ़ चुकी है, तो कोई बात नहीं, मैं भी पूरा जैकेट वगैरह लगा के रखा हूँ। फिर भी जब बाइक चला रहा हूँ तो वो हाथ के वहाँ से अंदर हवा आ रहा है, तो फिर ठंड लग रहा है मुझे। तो यहाँ से 5 किलोमीटर है घूम, तो ज़्यादा नहीं, 10 मिनट लगेगा पहुँचने में वहाँ पे मेरे को। ग्लैड मैंने टोपी भी लेके आ रखी थी, धूप एक बार निकल जाए ना तो सब सही हो जाएगा, धूप ही नहीं है। एंड आई वुड लाइक टू से स्पेशल थैंक्स टू प्रमोद, जो मेरा होम स्टे का ओनर है, जो मुझे बाइक लेंड दिया। आई वॉज लाइक सो थैंकफुल टू हिम, क्योंकि अभी चीज़ें आसान हो गई है मुझे इधर से उधर ट्रैवल करने के लिए, और सही है। ऐसा नहीं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, पर वही टाइम कंज्यूमिंग है, फिर कुछ जगह पर वॉक करनी पड़ेगी, तो अभी इसके वजह से, स्कूटर की वजह से अभी आसान हो गया है मेरा ट्रैवल, तो आई डोंट माइंड, यू नो। वाह, धूप की रोशनी लगता है कि वो एलिक्सर की तरह काम करती है, मतलब एलिक्सर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अमृत, उसकी तरह काम करती है। अभी टाइम 3 बज रही है दोपहर की, और 2 घंटे के बाद यहाँ पे गाड़ी ख़त्म हो जाएगा, तो फटाफट जाके घूम के आते हैं। आज सनी था डे, पर अचानक से ओवरकास्ट हो गया थोड़ा बहुत, और ओवरकास्ट का मतलब है कि टेम्परेचर 10 से 5 डिग्री और ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है, मतलब फील होता है ज़्यादा ठंड, तो बस वही है एक चक्कर।
यहाँ से ऑलमोस्ट 500 मीटर्स है मॉनेस्ट्री पहुँचने वाला हूँ, पर रास्ता थोड़ा ख़राब है, यहाँ पे काफ़ी गड्ढे हैं तो पता करना पड़ेगा कहाँ पे मॉनेस्ट्री है। एक्सक्यूज मी, ये मॉनेस्ट्री चाहिए अगड़ी हो? ओके, थैंक यू। तो मैंने पूछा उनसे कि और कितना दूर है मॉनेस्ट्री, तो उन्होंने कहा आगे साइन बोर्ड है तो दिख जाएगा, तो ठीक है चलते हैं। तो अब मैं मॉनेस्ट्री के रास्ते में एंटर कर चुका हूँ, तो इस मॉनेस्ट्री का हिस्ट्री क्या है वो वहाँ पर जाके पता चलेगा, कि मुझे भी नहीं पता है। आज सुबह ही पता चला मेरे होम स्टे के ओनर के ओनर से, तो उन्होंने कहा कि दिस इज़ द मस्ट विजिट प्लेस, क्योंकि बहुत कम लोग जाते हैं, उनको बहुत कम जनों को पता है ये मॉनेस्ट्री के बारे में और काफ़ी खूबसूरत है। तो ऑफकोर्स खूबसूरत जगह मुझे एक्सप्लोर करना काफ़ी पसंद है। तो चलते हैं अंदर, ये तामझाम सारा निकाल लेता हूँ मैं। तो ये है मॉनेस्ट्री का एंट्रेंस, यहाँ पे मैंने स्कूटर पार्क कर दी है और ये रहा मैं। पता नहीं यहाँ पे मास्क पहनना ज़रूरी है कि नहीं, बट अभी एंटर कर रहा हूँ तो पहन लिया हूँ, वरना मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मुझे बोले कि मास्क पहनो एंड ऑल। बट मैंने एक चीज़ नोटिस की है, दार्जिलिंग में 80-90% लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं और यहाँ पे कोविड केसेस भी नहीं है, तो एक होंगे तो एक दो पता नहीं मुझे, तो इसके वजह से यहाँ पे पुलिस एंड जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है कुछ नहीं बोल रहे हैं मास्क के बारे में। इट्स लाइक कुछ जगह जहाँ पे पब्लिक प्लेसेस है आपको वहाँ पहनना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन यू नो रोम अराउंड लाइक दिस। तो पहले मैं आसपास घूम लेता हूँ फिर मैं अंदर जाऊँगा, पता नहीं अंदर में वीडियो रिकॉर्डिंग करना अलाउड है कि नहीं। चाहिए है गोम्पा जो बंद है, काफी शांति है यहाँ पे। तो ये मॉनेस्ट्री बहुत ही अच्छा एंड खूबसूरत दिख रहा है, तो ये निकाल लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, कोई नहीं है यहाँ पे, मैं ही अकेला हूँ इस मॉनेस्ट्री में। तो काफ़ी शांति है यहाँ पे और एक भी लोग नहीं है, अच्छा लग रहा है मेरे को भीड़ भाड़ से दूर। आई थिंक कोविड के वजह से यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे ये चक्र है जो आप घुमा सकते हो ऐसे। तो और भी कुछ है क्या यहाँ पे? यहाँ से एक रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है, पता नहीं मुझे यहाँ पे कहाँ जा सकते हैं यहाँ से, बट काफी पीसफुल एंड क्वाइट है ये जगह। ये रास्ता सीधा नीचे की तरफ जाता है, पता नहीं कहाँ, तो देखते हैं। एक इंसान नहीं है यहाँ पे, मतलब तो इस तरफ भी कुछ है, लोग हैं यहाँ पे। तो छोटा सा मॉनेस्ट्री काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे दिख रहा है। दाजू यो इतना तीर घूमे यो एवडे मॉनेस्ट्री हो? हां जी एवडे मॉनेस्ट्री हां जी। अब यहाँ चाहिँ 1850 को मॉनेस्ट्री हो, 1850 को, किनकि म त्यो हिस्ट्री चाहिँ यहाँको म सर्च गर्दै थिए अन्त त्यो पाइन। हजुर यो चाहिँ अब जलाउने घर हो। ओके, अब क्रिमेशन सेन्टर भोलि
भोलि यहाँनिर अब डेड बडी ल्याउँदैछ ओके हो त्यहाँ लाँदैछ ओके अन्त 1850 मोनेस्ट्री हो 1850 को मोनेस्ट्री हो सबभन्दा पुरानो ओके घुम ग्याचोलिङ मोनेस्ट्री ओके अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईँको के हो भन्दाखेरि चाहिँ आउने फ्युचरको बुद्ध मैत्र बुद्ध भन्छ घम्बा भन्छ ओके कमिङ बुद्ध हो ओके उहाँ चाहिँ अब ओके अनि अब यहाँको म्युजियम हुन्छ धान्तोर म्युजियम ओके यहाँको अब हेड मङ्क्स ओके अन्त त्यो एन्ट्री अहिले बन्द छ भित्र जस्तो मतलब गुम्बाभित्र झन् सक्नुहुन्छ अहिले त्यो लक लगाइरहेको छ होइन उहाँभित्र गुम्बाहरूमा लामाहरू छ ओके लामालाई भन्नुहोस् म दर्शन गर्छु भन्नु ओके ओके दर्शन गर्नु त पाउँछ नि त त्यहाँ ओके ओके गुम्बा मन्दिर मस्जिद एउटा त्यो त हो किनकि मैले त्यो चेक गरेको थिएँ बाहिर त्यो लक गरिरहेको छ लक त गरेको हुन्छ अब किनभने म सिलगढीको बट म पहिला बेङ्गलोरमा बस्थेँ हजुर अब तपाईँले अहिले त्यहाँनिर लामा हुनुहुन्छ हो ओके उहाँलाई गएर भन्नुहोस् न म भित्र यसो ओके अब त्यहाँको त्यो खिचेकोहरू अलिकति डोनेसन जस्तो त्यहाँ लेखिदिएको छ नोटिस लेखिदिएको छ नोटिसमा अब त्यो चाहिँ लेखिरहेको छ लेखिरहेको छ त्यसमा के छ त्यसको ओके कन्टिन्यू चेक गर्नुहोस् हो अन्त लामालाई भन्नुहोस् लामाले भित्र तपाईँलाई इन्ट्री गरिदिन्छ अब यो चाहिँ तपाईँको सबभन्दा दार्जिलिङको ओल्ड मोनेस्ट्री चाहिँ अब होइन मन पऱ्यो मैले सेकेन्ड तो ये मोनेस्ट्री 1850 का है पुराना तो काफ़ी पुराना मोनेस्ट्री है एंड तो मैं अभी वहाँ से वॉक करते हुए आ रहा था तो यहाँ पे भैया मिले तो मैंने कुछ डिटेल्स ले लिया यहाँ का कोशिश करूँगा अभी जाके वहाँ पे अंदर देखने के लिए तो देखते हैं कि अंदर में स्टैचू ऐसा वाला है अच्छा हमारा मोनेस्ट्री का देखिए बहुत सुंदर है तो ये रहा जी अभी ये तो वॉलपेपर है और है ना तो अभी देख सकते हैं ना अंदर जी सकते हैं अभी अंदर में क्या है आपको ये देखना है तो क्योंकि बाहर लॉक था तो मैं अंदर गया नहीं अच्छा हम भी मंग से है ना अच्छा हमारा तस्वीर देखिए ये वाओ ये सैंपल स्कूल का है ऊपर में अच्छा ये हम ही है ओ वाओ अभी हमारा जो ये इसी मॉनेस्ट्री का है नहीं ये सैंपल स्कूल है सैंपल स्कूल मैं हूं ना मैं हूं ना वो आपका हां यहां पर हम लोग पूजा के लिए गए थे ना ओके 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 और ये गुम्बा का इलाका है गुम्बा का इलाका और ये नीचे में गुम्बनजंग बोलता है ओके ओके नॉट बैड बहुत ही अच्छा लगा मेरे को और वो क्या है कौन सा वो फैक्ट्री है वो गांव का आटा का अच्छा ताला में ओके थैंक यू ठीक है थैंक यू सो मच ठीक है कोशिश करूंगा मैं तो ये क्रिमेशन सेंटर है तो यहाँ पे वो लोग डेड बॉडी जलाते हैं तो कल यहाँ पे 8 बजे दे विल डू दी फॉर्मेलिटीज तो वो बता रहे थे और उन्होंने ये भी बताया कि ये मोनेस्ट्री दार्जिलिंग का सबसे पुराना मोनेस्ट्री है 1850 का और इमेजिन बहुत पुराना है तो मैं हिस्ट्री ढूंढ रहा था यहाँ पे हिस्ट्री मिल गया मुझे अच्छी बात है तो वही मैं इनसे नेपाली में बात कर रहा था और यही पूछ रहा था तो इन्होंने यही कहा कि ये पहले मॉन्क हुआ करते थे दार्जिलिंग में सेंट पॉल स्कूल के पास में एक मोनेस्ट्री है तो वहाँ पे ये मॉन्क थे फिर यहाँ पे भी थे तो अभी ये नहीं है घर पे रहते हैं और घर से वर्शिप करते हैं तो ये बात है शिट मैं नाम पूछना भूल गया उनका माय बैड तो काफ़ी अच्छा पीसफुल जगह है मज़ा आ रहा है ये नॉन टूरिस्ट ही है लोग बहुत कम है यहाँ पे ऐसे जगह पे घूमना और टाइम स्पेंड करना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है अब टूरिस्टी प्लेसेस में भी जाना ज़रूरी है बिकॉज वो भी एक जगह है जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हो देख सकते हो और वहाँ पे नहीं जाऊँगा तो फिर अगेन ऐसा लगेगा कि क्या मिस कर दिया तो बैलेंस रखना ज़रूरी है तो वही कर रहा हूँ तो कोशिश करता हूँ अभी अंदर एक वो लेने के लिए एक्सक्यूज़ मी टूरिस्ट नहीं आते यहाँ पे अभी नहीं आते ना अभी सभी मॉनेस्ट्री बंद ही है अच्छा सारे के सारे दार्जिलिंग में सब बंद है हाँ बंद ही है ओके ठीक है थैंक यू तो मैं अभी मॉनेस्ट्री के अंदर हूँ और मैंने परमिशन लिया यहाँ पे शूट करने के लिए और यहाँ पे मैं आ गया हूँ तो दिस इज़ द मोनेस्ट्री और मैं कोशिश करूँगा यहाँ से दिखाने के लिए अगर मैं दिखा सकता हूँ तो ये रहा मैत्री बुद्ध का स्टैचू अंदर में लाइट नहीं है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है
आई विश ये खुला रहता, काफी मजा आता। सो योर नेम इज? माय नेम इज गेल्सन गुरुम। गेल्सन गुरुम। लाडुप शेरपा। लाडुप शेरपा। यू? सौरभ तामंग। सौरभ तामंग। हु एल्स? चोंग तामंग। बुकचन शेरपा। सो अभी मैं इन लोगों से मिला यहाँ पे गोम्पा में, तो आपका नाम? डैनी। डैनी, तो आपका नाम मैंने पूछना भूल गया। पेम्बा लामा। हमारा बेटा वो सौरभ तामंग। सौरभ तामंग, ओके ठीक है। तो ये वीडियो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आएगा यूट्यूब में, तो आप देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल में। ऑलराइट, डू सब्सक्राइब माय चैनल, नेम इज डेस्टिनेशन हॉपर। ऑलराइट, यस आई हॉप डेस्टिनेशन। ऑलराइट, बाय बाय। तो ये रहा ईगा छोलिंग मॉनेस्ट्री का टूर। आई होप आपको अच्छा लगा हो। लोग कम है बट अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे टाइम स्पेंड करके। और तो यहाँ पे आई थिंक बस इतना ही है, यहाँ पे व्यू है, यहाँ पे लोग बैठ सकते हैं। तो अभी का प्लान पता नहीं है, देखता हूँ कहाँ जाना है, क्योंकि अभी मैं घूम के पास हूँ, तो हो सकता है कि मैं भी घूम स्टेशन जाऊँ। तो लेट्स सी। तो गाइस, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, और आई होप इस व्लॉग को देखकर आपको अच्छा लगा हो। बताना ये मॉनेस्ट्री कैसा लगा। बहुत ही लेस टूरिस्ट विजिटेड प्लेस है, और थोड़ा आइसोलेटेड भी है, और काफ़ी अच्छा है, हिस्ट्री काफ़ी अच्छा है यहाँ का। एंड आई विश कि यहाँ का जो मेन टेम्पल का जो गेट है वो ओपन रहता और मैं अंदर जा पाता, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। बट जिस तरह का यहाँ का एटमॉस्फेयर है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे एक्सप्लोर किया, लोकल से बात की, काफ़ी अच्छा लगा जानकर। तो कमेंट से बताना कैसा लगा। डू लाइक द वीडियो, और लाइक डिसलाइक कुछ भी करो, अगर आपकी मर्ज़ी है, देखने के बाद जो भी अच्छा लगता है। सब्सक्राइब करो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी पता नहीं नेक्स्ट व्लॉग कौन सा होने वाला है, क्या होने वाला है, कहाँ मैं जाने वाला हूँ, बट जो भी जाने वाला हूँ, दार्जिलिंग के अराउंड जाने वाला हूँ, तो आई एम श्योर आपको वो देख के अच्छा लगेगा। तब तक के लिए लव योरसेल्फ एंड कीप हॉपिंग।